चुनाव की सोच आपकी। इस कार्यक्रम में हम रोजाना आपके साथ मिलते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं। आजकल में उम्मीद करते हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद चुनाव प्रचार जो है वो तेज़ी पकड़ लेगा। हमने आपके साथ इससे पहले वार्ड नंबर 1 से, वार्ड नंबर 2 से और वार्ड नंबर 5 से बातें की। आज हम वार्ड नंबर 4 में हैं और वार्ड नंबर 4 का सबसे अहम इलाका है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट है, वो है इंदिरा कॉलोनी। करीब जो मुझे जानकारी मिली है करीब 22,000 के आसपास वोट है, उसमें से 12,000 वोट सिर्फ इसी कॉलोनी के। और आज हमारे साथ इसी वार्ड के कुछ कार्यकर्ता, कुछ मुअज्जज़ शहरी इस वार्ड के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ श्रीनिवास काला जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। संतोष गिरी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। महेंद्र दुबे जी हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। वेपाल शर्मा जी हैं, जो आम आदमी पार्टी से हैं। गौरव शर्मा है, ये भी आम आदमी पार्टी से हैं। और देवेंद्र लुबाना जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सुभाष धीमान जी, ये भी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। और हरमीत जी, गुरमीत जी, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। तो आज का ये पैनल हमारे साथ है और हम उनके साथ ही शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है शुरुआत शायद दुबे जी से करनी चाहिए, क्योंकि दुबे जी की पार्टी जो है वो नगर निगम को देख रही है और उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो दुबे जी आप ही के पास आते हैं, क्या आप कहते हैं कि एक बार फिर से आप जो है वार्ड नंबर 4 की जनता भारतीय जनता पार्टी में ही विश्वास करती है? सर, भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी काम किया है, उस मुद्दे को लेकर हम चुनाव में उतरेंगे। काफ़ी काम हुआ है, करीब करीब कोई काम बाकी नहीं रह गया। यहाँ का रोड बना, ग्रीन बेल्ट बना, बगल में स्कूल बना, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए, कॉलोनी में कम्युनिटी सेंटर बनाया गया, काफ़ी काम हुए हैं। हमारे सिर्फ एक काम रह गया और उसको भी हम लोग जल्दी उसमें लगे हुए हैं कि यहाँ एक लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज बनाया जाए जी, वो बाकी हो बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा मैं बीच में रोकना, थोड़ी सी और जानकारी मैं दे दूँ। ये जो वार्ड है, अब चूँकि दोबारा से परिसीमन हुआ है तो काफ़ी बदलाव हुए हैं इस वार्ड, ये भी एक तरह से नया वार्ड जो है वो बनाया गया है। इसमें किशनगढ़ गांव को इंक्लूड किया गया है, आईटी पार्क को इंक्लूड किया गया है। ये पहले पंचायत हुआ करती थी और ये जो इंदिरा कॉलोनी थी ये मनी माजरा का हिस्सा हुआ करती थी। तो इस तरह से थोड़े से परिवर्तन हुए हैं, पूरी तरह से वो वार्ड नहीं है जिसमें पिछली बार चुनाव लड़ा था। तो उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस बार कुछ और भी परिवर्तन हुए। थोड़ा सा कटा है सर, इंदिरा कॉलोनी तो है ही है, बीच में आपके किशनगढ़ गांव आ गया है, शांति नगर है, उसमें भी वही काम करेंगे जो यहाँ हुआ है, आगे जो है वहाँ भी होगा जी। अपनी पार्टी अगर आएगी सत्ता में। संतोष गिरी जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अपने साथी? यहाँ पे जो काम के विकास के नाम भाजपा की जो पार्टी है हमेशा विकास की राजनीति करती है। हमारा केंद्र से लेके और नीचे हमारे काउंसिल के चुनाव तक भी हमारा सब विकास का ही मुद्दा होता है। यहाँ पे कॉलोनी में ऐसा नहीं है कि काम हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन कुछ कमियाँ भी हैं, उसको भी हम काम करेंगे। पार्किंग की समस्या यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, इस पर भी काम किया जाएगा। अब बाकी विकास का कार्य तो हुआ है, चाहे रोड से लेके जो सा हमारे मंजर दुर्ग जी ने बताया है, और जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, पार्किंग की व्यवस्था करना एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे सफाई का अच्छा काम बीजेपी की गवर्नमेंट ने शुरू किया है, एक स्वच्छ भारत अभियान को देखने पूरे भारत में, इंदिरा कॉलोनी से नहीं, चंडीगढ़ ही नहीं, पूरे भारत में अब जब हम कहीं जाते हैं तो एक सफाई दिखती है, वो आपको आप खुद महसूस करते होंगे जब हम पूरे भारत की भ्रमण पर हम जाते हैं। यानी कि जो केंद्रीय कार्यक्रम है उनका लाभ भी आपको वार्ड के इसमें इलेक्शन निगम के इलेक्शन में बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है और देश हमारा बहुत ही विकास की ओर जा रहा है और एक बहुत पॉजिटिव सोच के साथ हम फिर चुनाव में जाएंगे और लोगों का विश्वास हम पे आज भी कायम है। चलिए ठीक है, ये तो आपने आप देखते हैं आपके विरोधी आपसे कितने सहमत हैं या असहमत हैं इस वक्त। पहले मुझे लगता है महिपाल जी से ही बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर देवेंद्र जी के पास आएंगे। महिपाल जी, आपने दोनों हमारे साथियों की बात सुनी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कहाँ तक आप इनसे सहमत हैं और आपका इस वार्ड की डेवलपमेंट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, परिसीमन के बाद वार्ड नंबर 4 का जो इलाका है वो इंदिरा कॉलोनी और आपका किशनगढ़ और आपका शास्त्री नगर, इसमें ये इलाके शामिल हुए हैं। जहाँ तक स्वच्छ भारत अभियान का संबंध है, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ पर
उस कार्यक्रम की झज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई देती हैं। इस बात के गवाह लोग हैं। यहाँ की सफाई व्यवस्था जो है वो ठेकेदार के जिम्मे है। उन ठेकेदारों की नियुक्ति चंडीगढ़ नगर निगम ने की है। मान लीजिए ठेकेदार को अगर कोई निश्चित रकम दी जाती है और उस निश्चित रकम के तहत सपोज़ 50 आदमियों की नियुक्ति की जाती है तो 50 की गिनती है दिखाई नहीं देती। 50 के बदले मात्र 20 या 25 लोग ही काम करते हैं। बाकी का पैसा कहाँ जाता है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है नगर में। पिछले 25 सालों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो बिल्कुल नहीं किया। मैनिफेस्टो सिर्फ कागज़ पर लिख के बना दिए जाते हैं और उनके ऊपर अमल शत प्रतिशत नहीं होता। जहाँ तक सफाई का संबंध है बहुत बुरी हालत है जी। और उसके अतिरिक्त गंदा पानी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। 3 गुना रेट कर दिए हैं। इसमें कांग्रेस भी शामिल है और इसमें बीजेपी भी शामिल है। जो पार्टी अपने इलाके के लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया नहीं करा सकती मेरे ख्याल से उसको वोट मांगने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि पानी से बड़ी मूलभूत चीज़ कोई चाहिए था। बाकी जो इन्होंने कहा स्कूल बना स्टेडियम बना वो तो सर पहले की प्लानिंग्स हैं जो इनकॉर्पोरेट अब हुई हैं मौजूद समय के अंदर। और एक बात और कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी लाल डोरे के बाहर बने मकानों के बारे में सिवाय ढकोसलेबाजी के कुछ नहीं किया। मेरा अपना मकान जो था वो 8 नंबर पॉकेट में था, वो गिराया गया, बहुत गुहार लगाई लेकिन कुछ नहीं बना। शास्त्री नगर सारा लाल डोरे के बाहर बना हुआ है जी। किशनगढ़ के अंदर अधिकतर आबादी लाल डोरे के बाहर बनी हुई है। तो मैं दावा करता हूँ इस बात का कि दिल्ली की तर्ज के ऊपर इस बार आम आदमी पार्टी आपके जो जी लोकल जो आपके वादे हैं उन पर हम बाद में आएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी फिलहाल जो समस्याएं जो आपने इनकी बात सुनी और उससे आपने असहमति जताई वो बात ठीक है। और वो हम आएंगे दोबारा हमारे और भी साथी हैं उनसे हमें बात करनी है। देवेंद्र नुबाना जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं। आप कितना सहमत हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों के साथ और जो महिपाल जी ने मसले उठाए उनको लेकर आपका क्या कहना? उन्होंने आपको भी लपेटा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है जितनी भारतीय जनता पार्टी। और उस समय जिस टाइम कांग्रेस की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी उस टाइम सुरेंद्र सिंह जी यहाँ यहीं के लोकल जो काउंसलर थे वही मेयर बने थे। उन्होंने ये प्रपोजल इवन कि शिवालिक पार्क भी उन्हीं की देन है, सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कॉलेज का प्रपोजल है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्कूल है, वो सारी उनकी हैं। लेकिन आज की डेट में बीजेपी काउंसलर ने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे जैसे मुझे जानकारी मिली है यहाँ पे सीवरेज 2 मिनट में ब्लॉक हो जाता है जी, रोज ब्लॉक होता है जी। उसके बाद ब्लॉक होने के बाद जो पानी के पीने के पाइप में जाता है सर, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आज हम रोड देख रहे हैं, अभी 2-3 महीने पहले ही बनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 5 साल पुरानी लग रही है अभी भी, और पिछले 10 साल बाद बनी है यहाँ। तभी मैं कहता हूँ इन्होंने आज की डेट में कॉमन मैन का तो बिल्कुल ही गला दबा दिया है। जो एक राशन मिलता था, एक फैसिलिटी थी, सबसे पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने यही किया कि चंडीगढ़ के लोगों का राशन बंद कर दिया। और आज की डेट में जो गरीब लोग हैं वो त्राही त्राही कर रहे हैं और उनका जैसे महंगाई है। क्या हम एक बार फिर से बीजेपी कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम रहमान साहब से भी उनकी भी राय ले लेते हैं। रहमान साहब आपका क्या कहना है जो बीजेपी की तरफ से जो दावे किए गए? जो भी दावे किए कोई दावा पूरा नहीं हुआ। थोड़ा उसमें पीने के पानी की समस्या है, पानी आता है परी बहुत लो प्रेशर से आता है। हमें लास्ट 20 साल से यहाँ वेलफेयर एसोसिएशन से बाई इलेक्शन प्रधान रहा हूँ और आज की डेट में भी वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। तो सफाई का बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट का बुरा हाल है। स्ट्रीट लाइट 50% आज की डेट में बंद पड़ी हैं और जगह जगह लीकेज है। जो सड़क बनी है वो भी कई जगह से टूट चुकी है। 5 साल के दौरान आप जाते नहीं रहे कभी किसी अधिकारी से? सभी अधिकारी में से सभी के कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्शन SDO सब जानते हैं, सबके नंबर मेरे मोबाइल में सेव हैं। उनको कहता हूँ तभी कोई काम होता है, अदरवाइज जो नीचे लेवल पे हैं वो यहाँ तक भी कह जाते हैं कि सुभाष जी अगर कोई काम पड़े तो मुझे डायरेक्ट कर दिया करो, अफसर को मत किया करो। मैं क्या क्यों, जब मैं अफसर को बात करता हूँ तभी तो कोई काम करते हैं, अदरवाइज करते नहीं हो। तो कुल मिला के जो काम है वो नहीं हुआ। देखिए अपना दुबे साहब आपके सामने हैं, आपके वार्ड के निवासी हैं और इस तरह की उनकी शिकायतें हैं, आपने एक बार आपने दावे किए सब उन्होंने नकारे, आपको एक बार फिर से मौका देते हैं। ये सर 15 साल से नकारते रहे हैं और 15 साल से जनता ने भाजपा को सपोर्ट कर रही है। ये आपके सामने जो काम हुए यहीं हैं,
वो विपक्ष का काम है विरोध करना, वो करते रहेंगे। 15 साल से अपने कामों के बल पर बीजेपी जीती है, आम आदमी पार्टी और आगे भी जीतेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, कांग्रेस दोनों का इस देश तो क्या, इस यहाँ के लोगों पर विश्वास ही नहीं है। एग्जाम्पल तो आप सेट करेंगे ना सर, काम अगर नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनाया गया था, एक गुजरात मॉडल था, आम आदमी पार्टी क्या देगी? छठ मई की पूजा में आपने देखा किस तरह से यमुना की सफाई का जो बुरा हाल किया हुआ, सुना था कभी आपने कि टैंकर के पानी से छठ नदियों की सफाई सुनी थी आपने? कितना मजाक उड़ाएगा आम आदमी पार्टी। मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी दुनिया की, मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, दुनिया की सबसे करप्ट पार्टी है, सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी। कांग्रेस से भी बुरा हाल है उसका, सबसे ज़्यादा कम्युनल पार्टी है। तो ये काफ़ी सीरियस एलिगेशन मेहरबान जी आपके संतोष गिरी जी लगा रहे हैं। मैं बिग प्रूफ के साथ लगाऊंगा, ठीक है सर। रोहिंग्या की बात होगी तो रोहिंग्या को इनके जो काउंसलर हैं, सॉरी विधायक जो है अमरतुल्लाह खान, वो कहते हैं कि हम यहाँ पे मानवता के आधार पर बैठाएंगे, लेकिन अगर कोई हिंदू अगर अफगानिस्तान से कहीं और से सताए हुए आएंगे उसको नहीं लेंगे। अब आम आदमी पार्टी का तो नैतिक अधिकार है, तो बात करने की बात तो है, काफ़ी सारे बड़े मुद्दे हो जाएंगे, अपना मसला बाहर निकल जाएगा। हम मुझे लगता है कि अगर हम स्पिक करें अपने वार्ड को लेकर ही, तो महिपाल जी वैसे इन्होंने जो आपके बारे में एक लाइन में जवाब देना चाहूँगा जी, श्री अरविंद केजरीवाल पिछले 8 साल से दिल्ली में बतौर मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और लोअर क्लास सभी लोगों ने उनको एक मुश्त वोट दिया है जी। क्या उन लोगों की मानसिकता के ऊपर संदेह है इनको? ऐसा एलिगेशन लगाना कि सबसे भ्रष्ट पार्टी है, ऐसा कैसा पैरामीटर है कि इन्होंने बता दिया कि अपना भ्रष्ट पार्टी है? ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोकल मुद्दों पर हम चुनाव लड़ते आए हैं हर जगह, यहाँ भी लोकल मुद्दों पर लड़ेंगे जी। इसलिए मेरे ख्याल से मैं इनकी बातों को बुरा नहीं मानता, जहाँ तक मुझे लग रहा है चुनाव की आहट के देखते हुए और आम आदमी पार्टी की तैयारी के चलते भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं वो मानसिक रूप से बौखला गए हैं, इसलिए ऐसे अनाप साहब बोल रहे हैं। चलिए खैर, अब हम इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, अभी कोई मुद्दों की बात नहीं है को और जी ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये चैनल है जो अर्थ प्रकाश दा इन्हों का मैं तय दिल से स्वागत करदा भी अज इन्होंने बड़ा सोहना एक जो प्लेटफॉर्म दिखा साड़ी कलोनी नू, शायद यह पहली किस्म का प्लेटफॉर्म है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੋਕਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ EWS, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਬਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਔਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ EWS ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਚ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤੇ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਜੋ 1991 ਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸੇ ਲਗਾ 1964 ਸੇ ਜੀ, ਤੋ ਜਬ ਹਮ ਯਹਾਂ ਆਏ ਹਮਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਥੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਬਸੀ ਹੈ, ਹਮੇ ਮੂਲਭੂਤ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਚਲੋ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹਮਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਕੀਆ, ਅਭੀ ਜੈਸੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਕੇ ਆਗੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਬਣਨੀ ਥੀ ਜਿਸਕੇ ਨੀਚੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ, ਅਬ ਵਹਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਜੋ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਐਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਟਨ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜੋ ਕਾਮ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਪੜੇ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਕੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ। ਅਭੀ ਐਸੇ ਇੱਕ ਔਰ ਹੈ, ਅਬ ਹਮਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਜੀ ਥੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਥੇ, ਕਿਰਨ ਖੈਰ ਸੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਤਾ ਯਹਾਂ ਆਈ ਥੀ, तो हमारी धर्मशाला आपको लगता है कि इस बार शेड्यूल्ड कास्ट धर्मशाला जो हमारे लोगों के लिए है, ये अपने जन्मदिन मनाते रहे,
हमारे लोग सड़कों में, हमारे बच्चे कहीं तो ऐसे और कई काम है जो मेन बहुत काम है। हम अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस का यहाँ का यहाँ पे कांग्रेस का बोलबाला है? कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस ने काम किया, हमने पास करवाए, ये जो प्लानिंग है मैंने खुद बैठ के। कांग्रेस के कौन कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद है अपना, किसको लगता है कि यहाँ पर? हमारे लुवाड़ा जी के मिसिज जो है ये है और ये कांग्रेस के ही हैं। अच्छा, और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो गौरव जी आप बताइए कि यहाँ पे कैसी स्थिति है? आपको लगता है कि आप यहाँ से सीट निकाल सकते हैं? कौन आपके कैंडिडेट हो सकते हैं यहाँ से? सर आपके सामने ही हैं, आप देख ही रहे हैं जनता क्या बोल रही है, और आपके सामने देखो तारे बिल्कुल मतलब जीरो हो रखी है यहाँ। नहीं, आपकी स्थिति क्या है अभी? निश्चित तौर पर यहाँ पर सुगबुगाहट शुरू हो गई होगी अपने चुनाव की। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी सीट निकाल सकती है? सर बिल्कुल यहाँ से सीट निकालेगी, पूरे जोरों से यहाँ पे काम चल रहा है, हर किसी से मिला जा रहा है, हर किसी को दिल्ली मॉडल समझाया जा रहा है, और इस चीज़ की गारंटी है कि आम आदमी पार्टी 101% इस वार्ड से सीट निकाल लेगी। महिपाल जी आप क्या कहोगे? आपको लगता है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, 25-30 वायदे नहीं करती, 8-10 वायदे वो करती है जो काम कर सकती है, और लोकल प्रोजेक्ट उम्मीदवार लोकल जो काम है वो लोगों की सलाह से किए जाते हैं। और उसके अतिरिक्त जो मैं पहले बोल रहा था, किशनगढ़ और अपना शास्त्री नगर में लाल डोरे के बाहर की आबादी है, जिसको अभी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय झूठे वायदों में कुछ नहीं किया, लेकिन दिल्ली की तरफ पर हम लोग अगर आम आदमी पार्टी पावर में आती है, क्योंकि वो दोनों इलाके जो हैं पहले तो थे कॉलोनीज में, वहाँ पंचायत थी, अब वो आ गए हैं नगर निगम के अंदर, तो नगर निगम के अंदर अगर आम आदमी पार्टी हम यहाँ जीत के आते हैं तो उन मकानों को लाल डोरे की समस्या जाएगा। जी जी जी। सभी नहीं, अब यहाँ पे आपको बीजेपी की अगर बात करें, एक बात और कहना चाहूँगा, अंडर करंट है, पिछले 25 साल से लोग परेशान हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीतियों से, इसलिए लोग खामोश हैं। जो लोग आम आदमी पार्टी के फेवर में खुलकर नहीं आ रहे हैं, ये मत सोचिए कि वो उनको वोट दे देंगे, आम आदमी पार्टी को ही वोट मिलेगा। एक अभी आपकी बातों की बातों में मुझे भी ख्याल आया कि दरअसल ये वार्ड लेडीज के लिए रिजर्व है, और देखिए आज हमारे साथ सभी लोग लेडीज कोई भी आज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं है मुझे, हाँ, और ये लग रहा है कि यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स सभी पार्टीज के पास वायबल कैंडिडेट्स की कमी है, एक सही उम्मीदवार जो सही मायने में एक महिला उम्मीदवार हो। हाँ, ये तो हैं वाइफ्स चुनाव लड़ती हैं, बहनें चुनाव लड़ती हैं, लेकिन जो सही मायने में सोशल वर्किंग करती हैं, जो सही मायने में जो लेडीज काम करती हैं यहाँ पर, इस तरह की लेडीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दुबे जी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? फिर मैं आपसे ही बात करूँगा, आपसे ही बात करूँगा। बहुत महिलाएं हैं जो पार्टी देगी, जो सक्षम है, हमारे यहाँ महिला कार्यकर्ता बहुत हैं, वो देखेंगे। और रह गई बात की कांग्रेस ये लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के काफ़ी लोग अब आम आदमी पार्टी बना लिए हैं। जब एक रहे तब भी हम जीतते रहे, अब तो ये दो भागों में बट गए हैं, हमारी जीत सुनिश्चित है। आम आदमी हर आदमी इस बात को कह रहा है, और हम लोगों ने काम किया है 15 साल किया, 15 साल से लगातार जीतते हैं, और इस बार तो एकदम 101% कन्फर्म तो इस बार की बात ही नहीं। हमारी कैंडिडेट कई है, वो जो पार्टी जिसके ऊपर फैसला करेगा हमारी बात। संतोष जी आपको लगता है कि कमी है महिला कार्यकर्ताओं की, जो सही मायने में महिला कार्यकर्ता है? महिला कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, चेहरा जो भी पार्टी जो हमारा ऑफिस जो भी डिसाइड करेगा, हम उसके साथ तन मन धन से सारे कार्यकर्ता उसको जिताने में लगते हैं। रही बात जहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो करप्शन की गंगोत्री है, कांग्रेस तो आपको देख रहे हो कि उनकी अगर बात भी बोलते हैं ना तो बिना करप्शन किए हुए उनका बात नहीं करना। इतिहास का 70 साल का इतिहास देख लीजिए, चाहे आप यहाँ के बंसल जी से पूछिए जो इनको अपना नेता मानते, उनको क्यों हटाया गया था रेल मंत्रालय से, क्यों सब इस्तीफा दिया था उन्होंने, कोई सवाल करेगा उनसे? पर अभी तो कांग्रेस काफी देर था, तो रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की फ्री की पॉलिटिक्स करती है। देखो सर, फ्री के पॉलिटिक्स में आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जनता को बेवकूफ बना के कर सकते हो, लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करेगा। दिल्ली का क्या हालात है, ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, सर मैं खुद मोहल्ला क्लिनिक में जाके आया हूँ, सुअर घोड़े गधे बड़े बैठे होते हैं वहाँ पे, एक मोहल्ला पता नहीं कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, उसमें से कितने ऑपरेशनेबल है जाके आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। दिल्ली का जो बुरा हाल है ना, कहा था लंदन बना दे, बना दिया लंदन, आप बरसात के दिनों में क्या हाल होते हैं वहाँ पे, जो आप खुद आप ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, किसी को आज की टाइम में पब्लिक को सब पता है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे चुनाव स्थानीय मुद्दे की हो, चाहे पंचायत लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो,
देश हमेशा प्रथम होता है, जो देश की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, वही हर जगह राज करेगा। चलिए काला जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अपने दुबे जी हमारे पुराने मित्र हैं, जो इन्होंने कहा अभी 15 साल से हमारे को जताते आ रहे हैं आपकी बार इनका संपर्क पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी इंदिरा कॉलोनी का वार्ड 4 में सबसे बड़ा जनाधार है, हमारी कॉलोनी में कम से कम 14,000 वोट है। आपके पास महिला कार्यकर्ता हैं? क्योंकि हमारे पास महिला कार्यकर्ता भी हैं और हमारे पास सारा सिस्टम है सर, और हमारा एक एक वर्कर लगा हुआ है वार्ड नंबर 4 के अंदर, और हमारे को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अरे ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई वहाँ मतलब हमारी पार्टी करप्ट है, हमारी पार्टी करप्ट नहीं है, क्योंकि हमारा एक अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में सीएम है वो ही एक शख्स ये कहता है कि भाई अगर मैंने काम नहीं किए तो मुझे वोट मत देना, इनमें किसी में हिम्मत नहीं है बात करने की, ना कांग्रेस में ना बीजेपी में। कांग्रेस ने भी घर तड़वाए हैं, इन बीजेपी वाले झूठे वादे करे हैं और इनके सिवाय कुछ नहीं है, झूठे वादों के सिवाय। और अब की बार नगर निगम चुनाव में इनके सामने आ जाएगा कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी, अब ये कितने झूठे हैं, ये कितने सच्चे हैं। ठीक है और सर मेन और है, अभी हम सबसे पहले महिपाल जी आप ये बताइए कि आप ऐसा है सर कि आम आदमी पार्टी का तरीका काम करने का बिल्कुल अलग है जी। स्थानीय लोगों के साथ एप्लीकेशन से ली गई हैं, फिलहाल 3-4 लोगों के नाम महिलाओं के नाम हैं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपनी काम करने की शैली के अनुसार लोकल उम्मीदवार को ही टिकट देगी, पैराशूट से उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा, लोकल कैंडिडेट को टिकट मिलेगा और लोकल कैंडिडेट ही इलेक्शन जीत के आएगा। नहीं तो ये भी होगा कि किसी मेल लीडर की वाइफ नहीं होगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, विनेबिलिटी जाने माने विनेबिलिटी और एबिलिटी पुरुष नेता की विनेबिलिटी और एबिलिटी को प्राथमिकता दी जाएगी, जितने योग्य और काबिल वो उम्मीदवार होगा उसको टिकट मिलेगी। लुवाना जी आप इस मसले में क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी धर्मपत्नी भी जो है वो चुनाव मैदान में, एकदम से मैसेज मिला है धर्मपत्नी, एक्चुअली किशनगढ़, नो डाउट वो किशनगढ़ हैं, एक्चुअली मुझे एकदम से इधर आना पड़ा। मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं सर कि 2013 से मेरी वाइफ किशनगढ़ भगवानपुरा शास्त्री नगर आई टी पार्क की सरपंच हैं और उनके कार्यकाल में सभी कार्य हुए हैं। एक्चुअली जैसे बिजली की प्रॉब्लम थी उसके पीछे ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, पानी की प्रॉब्लम थी उसमें ट्यूबवेल लगाए गए हैं, लेकिन 2019 में हमारा कार्यकाल पूरा हो गया था, फिर यहाँ पे भाजपा ने अपनी कमेटी बना ली थी, उसके बाद जो हमारे कार्य जो पूरे करने थे वो भी नहीं कर पाए, जैसे रोड की रिकारपेटिंग नहीं हुई, आज की डेट में रोड का बुरा हाल है, जैसे सीवरेज और हमने स्ट्रॉन्ग वाटर पाइपलाइन का पुराना रेजोल्यूशन पास कर रखा था वो अब चल रहा है, काम अब चला है, लेकिन पानी की प्रॉब्लम वैसे की वैसी है, गंदा पानी जैसे इंदिरा कॉलोनी में आ रहा वहाँ पे भी है, स्ट्रीट लाइटें जैसे यहाँ पे नहीं चल रही तो वहाँ पे भी नहीं चल रही, और बिल्कुल पिछले 5 सालों से सभी लोगों को पता है कि हमारी जो मैडम गुरविंदर कौर लबाना है वो लोगों के बीच में जा भी रही है और उनके काम भी कर रही है, बल्कि अभी भी आज तक भी क्योंकि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, चाहे कोई कमेटी बनाई बीजेपी ने लेकिन किसी को कुछ नहीं पता, फिर भी वो हमारे पास आते हैं एज एक्स सरपंच, जो भी हम कार्य कर सकते हैं हमारे मैडम कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक ठीक, वायबल कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र लुबाना जी का कहना है। आप आखिर में बात करते हैं उसके बाद खत्म करेंगे हम इसको। सुविधा मिली होती सीनियर सिटीजन के लिए, जब हमने अपने पानी बिजली के बिल जमा कराने हैं तो हमारे लिए काउंटर होता था, अच्छा 5 आदमी के बाद एक सीनियर सिटीजन बिल जमा कराता था। अब बीजेपी सरकार ने मनी माजरा कम्युनिटी सेंटर के अंदर वो हटा दिया और हमारे को लाइन में खड़ाते हैं, मेरे सट्टे भी लगे और सड़क नहीं, अब तो संपर्क सेंटर आपके यहाँ नहीं है इस इलाके में, कोई संपर्क सेंटर नहीं है जी इधर। और दूसरी बात देखो जी, हेल्थ के लिए हमारी डिस्पेंसरी को कितने साल कटे हुए हो गए, तो अभी तक के इसका कोई बीजेपी ने कुछ नहीं किया इसका, ये प्लाट की चारदीवारी बनी हुई है, इसके बारे में कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, कॉलेज का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, जो हम कांग्रेस के होते सारा प्लानिंग हमने बनवाई है, मैंने खुद बैठ के ये प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नाला था, ग्रीन बेल्ट थी मेरे पास 1991 से अब तक का सारा प्रूफ है, बनाने में अभी इनकी सरकार है और बना रही है, अभी इनके 10 साल में काम पूरा नहीं हो, वो काउंटर खोले, सड़क वो टूटी पड़ी है सिरे से लेकर आज ये हम बातें कर चुके हैं लगभग सारी, तो पहले भी आपकी ये बातें रिपीट हो रही हैं, सट्टे लगी हैं, मैं चल नहीं सकता, ऐसे लगी हैं, देखो भी क्या हाल है, महिपाल जी भी हमारे कांग्रेस में थे, दुबे जी भी कांग्रेस में थे, कभी भी देखो ये लोकल मंच है और हम कॉरपोरेशन की ही बात करें, कॉरपोरेशन के इलेक्शन है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये लोकसभा के इलेक्शन नहीं है, जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा देश की बात करें,
देश में फौजी जवान से ज्यादा कोई नहीं जानता है जिसने वो ग्लेशियर में जाकर के 4 साल, हर एक फौजी का पीरियड है 2 साल, वहां पे इस फौजी जवान ने 4 साल लगाए हैं। अमर सिंह वहां 4 साल रहा ग्लेशियर में, और जहां पे आज वो चाइना का कब्जा है वहां हमारी LRP लॉन्ग रखी पेट्रोल में जाकर के नाश्ता पानी वहां रुक करके आती थी, जो आज हमारे कब्जे में नहीं है। चलिए खैर, ये फिर डिबेट थोड़ी सी डिरेल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत हम अब हमें ये आपने देखा कि चलिए महिपाल जी, आप आखिरी बात कहिए। आखिरी बात कहूँगा कि ओल्ड रोपड़ रोड जो कि वार्ड नंबर 4 और 5 के बीच से गुजरती है और रेलवे अंडरब्रिज तक जाती है, 15-20 साल हो गए गुहार लगाते हुए कि इसमें कोई ना कोई वेटिंग शेल्टर होना चाहिए। बस की बहुत ज़्यादा सर्विस जाती है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए खड़े होने की कोई जगह नहीं है, बारिश से बचने की कोई जगह नहीं है, धूप बारिश से बचने के लिए बस शेल्टर ना बिल्कुल नहीं बनाया। अगर हम आए तो बनाए। अब सर एक और मेन मुद्दा जो सा है, इतनी आबादी है जैसे आप देख ही रहे हैं, बच्चों के लिए खेलने का मैदान नहीं है, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। उम्मीद करते हैं कि आपके जो नए जो मैदान है उसको प्रोजेक्ट लगाया है, वो उसके ऊपर हम कल डिस्कस कर चुके हैं महिपाल जी के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं वो आपके इलेक्शन में आपके उठेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनकी जवाबदेही रहेगी। आपको सवाल पूछने का हक है, आप उनसे सवाल पूछेंगे। सबसे बड़ा BJP सर, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पूरा किया जिससे पूरा क्षेत्र मणिमाजा का परेशान था, रेलवे अंडर ब्रिज जो बना है आज, उसे काफी सुविधा थी, नहीं 2-2 घंटे हम लाइन लगा के खड़े होते थे। बहुत बड़ा काम हुआ, देखिए काम बहुत हुए, काम होते हैं और रह भी जाते हैं, बहुत ज्यादा काम हुए हैं, और उस काम के आधार पर हमारी और सबसे बड़ी बात है 1 रुपए का करप्शन, 1 रुपए का करप्शन अपोजिशन वाले नहीं किए, 1 रुपए का करप्शन बिना करप्शन सारा काम हुआ। बस सर हमारी ना थोड़ी टाइम, एक सेकंड, अंडर ब्रिज का भी जो साइन होंगे वो पवन कुमार बंसल जी की है। क्या है कि अब टाइम की कंस्ट्रेंट रहती है, अगर हम ज्यादा लंबा कर देंगे तो फिर हमें इसको अपलोड करने में दिक्कत आएगी, तो मुझे लगता है हमें यहीं पर समाप्त करना चाहिए। और तो ये थे इंदिरा कॉलोनी के निवासी जो कि बड़े शिद्दत के साथ अपने मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की शिकायतें भी हैं और इसमें भी शक नहीं कि काम भी हुए हैं, उन लोगों को, उन कामों को लोग मानते भी हैं, लेकिन ये तो जो डेवलपमेंट का इशू है ये एक ऐसा इशू है जो कभी समाप्त नहीं होता है, लगातार जो है वो विकास की आवश्यकता रहती है, तो वो आवश्यकता मुझे लगता है बनी रहनी चाहिए। और इस तरह की डिबेट्स जो है, और आज बड़ी हेल्दी डिबेट हुई, मैं सबका आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने आज बहुत ही अच्छी तरह से अपने अपने मुद्दों को उठाया, तो इस तरह की हम कोशिश करेंगे कि हेल्दी डिबेट्स आपके साथ हमेशा लाते रहें। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।